नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आपके जो एग्ज़ाम्स DR भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा द्वारा कराए जा रहे थे, उनकी जो आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में, वो सभी एग्ज़ाम्स अब आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। पोस्टपोन्ड कहने का मतलब अब ये एग्ज़ाम्स इन डेट्स पर नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे, ये भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में अंत तक रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ये आपकी 3 मई की न्यूज है, 3 मई 2023। तो इस सूचना अधिसूचना को आप पढ़िए। देखिए, ये ऑफिशियल न्यूज है, इसकी मैं पुष्टि भी करूँगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊँगा कहाँ पर आपसे कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आपको ये पता चल पाए कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है वो टोटल सही है, यानी 100% सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर पर कौन आते हैं, देखिए, जो ग्रेजुएशन के बेस पे होते हैं, BA, BSc, BCom, इनके प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के, एवं परा स्नातक यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उसमें आपका MA, MSc, MCom के कौन से सेमेस्टर के पेपर होने वाले, सप्तम और यहाँ पर प्रथम के सेमेस्टर की गतिमान परीक्षाएं दिनांक 6 मई 2023 से 13 मई 2023 तक आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो इनको क्या कर दिया गया, इनको पोस्टपोन कर दिया गया, नहीं स्थगित कर दिया गया। इस डेट पर अब इन डेट्स पर आपके एग्जाम्स नहीं होंगे और आगे की जो डेट्स होंगी वो आपको सूचित कर दी जाएंगी। देखिए, लिखा हुआ है, उक्त परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम पृथक से शीघ्र विद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये देखने के लिए नया जो शेड्यूल होगा वो आपका मिल जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपकी ऑफिशियल न्यूज है और इसको आप कैसे वेरीफाई कर पाओगे, तो उसके लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल रहा हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर गूगल क्रोम खोल लिया है और इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस जो सर्च बॉक्स है इसमें आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैंने कॉपी किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। और देखिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको दिख रहा होगा, dbrau.ac.in/, ठीक है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी वेबसाइट है वो आपको इस प्रकार से खुलेगी। तो देख लीजिए, ये आपकी ओपन हो रही है और ओपन होने के बाद आप इस पर सीधा डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर जाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए, ये आपकी वेबसाइट है और यहाँ पर इसे ओपन होने दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी सेक्शन आपके लिए खुल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सभी सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हो ऑनलाइन हेल्प डेस्क है, एफिलिएशन, रिजल्ट, इसके बाद एग्जामिनेशन, एडमिशन, इस तरीके से आप देख सकते हो सभी आपके सेक्शन खुल जाएंगे। इसके नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद आप देख सकते हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर नीचे आएंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी नोटिस। तो इसी में आपको नोटिस 3 तारीख को मिलेगा, वो जैसा कि आपको दिख रहे हो इसमें स्क्रॉल हो रहा है अपने आप ही इधर उधर जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जैसे ही 3 तारीख वाला आता है नोटिस तो आपको डाउनलोड कर लेना है, तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। तो 1 तारीख का आ चुका है, अभी हम देखेंगे तो 3 तारीख में जो सबसे लास्ट में आपका नोटिस है वही आपका नोटिस है 3 तारीख का। ये MBBS डेट शीट आपका दे रहा है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर, तो आपको अभी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 3 तारीख का लास्ट वाला नोटिस है। तो ये आपका नोटिस, ये देख सकते हो यहाँ पर आपका नोटिस आ चुका है, ये नोटिस है आपका। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका डाउनलोड होने लगेगा। और जैसे ही ये डाउनलोड होने के लिए देखिए आपका यहाँ पे कहेगा कि आप ओपन करिए यहाँ पे, तो आप नीचे की साइड से ऐसे करेंगे स्क्रॉल ऊपर की साइड पे, तो देखिए ये डाउनलोड होने के लिए कह रहा है कि डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। तो इस डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियली आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, ये अभी डाउनलोड हो रहा है और अब ये ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओपन हो रहा है, देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिस वही नोटिस है जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखिए हमने वेरीफाई कर दिया आपका, देख सकते हो आप पूरा आपका ये ऑफिशियल नोटिस है।
तो अब आप अपने स्कूल में भी संपर्क कर लीजिए कि सर आप हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो आप उनसे बात करके पूरा यहाँ पे तसल्ली ले सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आगे की जो अपडेट्स रहेंगी जब भी इसकी डेट शीट आएगी तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल पाएँ। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।